तो कैसे हो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि यार पीटीए ने जो डेडलाइन दी थी 20 अक्टूबर की, क्या उस दिन मोबाइल फोन बंद हो गए? आज 22 होने वाली है, तो यार कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि मोबाइल फोन क्यों नहीं बंद हो गए। तो तुम लोगों को भाई छोटी सी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्यों नहीं बंद हुए। सबसे पहले रीजन देखिए, लोगों को अवेयर नहीं चीज के किया गया कि भाई आप लोग मोबाइल वेरिफिकेशन करवाओ। और कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको मोबाइल पढ़ना तक नहीं आता, मतलब जिनको अनपढ़ लोग थे जिन्होंने 848 पर मैसेज सेंड किया, उनको आने वाला मैसेज से ये ही नहीं पता था कि उनका वैलिड है या नॉन कंप्लायंट है कुछ, क्या मोबाइल उनको ये ही पढ़ना नहीं आता था। इसलिए उनको सबसे पहले तो लोगों को अवेयर किया जाएगा कि उनको उनका फोन जो है वो वैलिड फोन है या नॉन कंप्लायंट फोन के अंदर आता है। तो पहले सबसे पहले लोगों को अवेयर करना जरूरी है। जैसे अब बात करें पिछले जितने बैकग्राउंड से किया, जितने विलेज में मोस्टली लोग होते हैं जिनके पास फोन होता है लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उनको टैक्सिंग नहीं करनी आ रही होती, जिनको इंग्लिश टेक्स्ट नहीं पढ़ना आ रहा, तो वो लोग मतलब उन लोगों के सभी के मोबाइल फोन बंद हो जाएंगे। तो दूसरी रीजन ये थी कि अगर जितने भी मोबाइल सेंटर्स हैं, आपने देखा होगा जितनी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, मोबाइल बड़े बड़े सेंटर्स होते हैं, तो उनके अंदर तो लाखों करोड़ों के हिसाब से फोन पड़े हैं, वो तो सारे फिर 20 अक्टूबर को ना तो वो वेरीफाइड हो पाते, मतलब वो सारे के सारे 20 अक्टूबर को ब्लॉक हो जाते, तो इस तरह उनको बहुत ज्यादा नुकसान था। इस चीज को लेके और मोबाइल कंपनीज ने लेके इनका एक पॉइंट था कि अगर ऐसे हम ना करें तो 20 अक्टूबर गुजर जाती और हमारे मोबाइल फोन की सेलिंग नहीं होती, लोग वेरीफाई नहीं करवाते तो हमारे फोन ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो इस पॉइंट को लेके मोबाइल की जो वेरिफिकेशन थी 20 जो अक्टूबर थी उसको पेंडिंग में रख दिया गया। जब तक लोगों को अवेयर नहीं किया जाएगा इस बात से, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तुम लोगों को तो अभी इसकी कन्फर्म डेट कोई भी नहीं है, ठीक है, अभी मोबाइल फोन सभी के चल रहे हैं और ना ही अभी कोई बंद करने का फैसला किया गया है। हाँ, अभी इसके ऊपर डेडलाइन आती है तो मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा और तुम लोगों को बता दूंगा कि यार आप डिटेल के अंदर इन्होंने क्या पॉलिसीज बनाई हैं, क्या किस लॉ के तहत वो बंद कर रहे हैं, सारी डिटेल मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चैनल पर नए आए तो यार सब्सक्राइब करके जरूर जाना, कोई बात हो कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सैयद अरशद, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज। We'll be right back.